अहिवारा आदिवासी गोंड समाज के साथ किए गए विश्वासघात और समाज की संरक्षित भूमि पर कब्जा कराए जाने के नाम पर आक्रोशित गोंड समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही अहिवारा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर नगरपालिका घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अहिवारा नगर पालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोमवार को बड़ी संख्या में गोंड समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। साथ ही अहिवारा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका भवन का घेराव किया। इस दौरान गोंड समाज के लोगों द्वारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का पुतला भी जलाया गया। हमारे मन के पिताजी मन है इस सड़क में बैठे रही से, बस स्टैंड में बैठे रही से, भ्रष्टाचार आज भ्रष्टाचार के जो हम ये कर रहे थे धरना प्रदर्शन, आज लोग नहीं आए, कई लोग नहीं आए। इस दौरान अहिवारा नगर पालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने बताया कि अहिवारा आदिवासी गोंड समाज के साथ किए गए विश्वासघात, समाज के नाम से भूमि संरक्षित करवाने के बाद अपने व्यापार मित्र को कब्जा करवा कर समाज के आराध्य बूढ़ा देव का बोर्ड हटाकर समाज की धार्मिक भावना को आहत किया। साथ ही पालिका में हर छोटे मोटे कार्य के लिए आम जनता से घूसखोरी किए जाने का भी आरोप लगाया और आवास योजना में जरूरतमंद हितग्राहियों का नाम न आकर नेताओं के करीबी का नाम जुड़वाने की बातें कही। इसी कड़ी में गोंड समाज के गुस्साए लोगों ने नगर पालिका भवन के गेट के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। साथ ही 24 सूत्री मांग को लेकर तहसीलदार राधे श्याम वर्मा के हाथ ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में गोंड समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। कि हमर जो गोड़वाना भवन रही सवे ओला ए मन हा जो पोस्टर लगे से तेला उखाड़ दे है त काबर उखाड़ी। हमर मन के अधिकार है ना, हम मन ला तो एक ठन हिते कि हमर भी भवन बने काबर नहीं बन। ओ भवन ले मन हा जगह दे रही से तेला दूसरा कर बेच के घर बनवावा थे, काबर बनवावा थे घर। ओ हमर जमीन हमर ला दे है ना भवन बनावा, ओ भी पैसा भी नहीं है। हमर मन चाह दे पैसा ला भी खा दे। एक बार भी हमन धरना प्रदर्शन करे गए रहे हमन तो हमारा का बोले रही था तुम्हारे लिए मिल जाए तुम्हारे 5 लाख रुपया करके हाथ लाई से करे रही से काबर करी से 5 लाख पैसा लाख तुम्हें मिल जाएगी कैसे करे रही से। यही है अध्यक्ष है, यही सब खाए बड़े अध्यक्ष पार्षद बने रही थे का जो सबके अधिकार का छीनी और एक घर हम तोड़बो अभी सब जन जाके तो वो सही का बता सही नहीं सही ना। हम वाला हम वाला भी अखरते हैं हमारे जमीन है, हम वाला बना अधिकार पर लड़े का पूरा हक है और लड़बो जब तक हमारे साथ रही तब तक लड़बो। बोलो देवा की एक दीन एक समान आदिवासी एक समान। जय बुढ़ादेव, मैं यहाँ अहिवारा के निवासी हूँ। मैं अपनी समाज की समस्या को लेकर आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बच्चे और सियान जो हैं और जैसे सभी लोग के साथ हम लोग बैठे हैं अपनी समस्या लेकर। आज हमारे पास घर तो है लेकिन हमारे जो आने वाले पीढ़ी के लिए समाज के लिए कुछ और जैसे कि भवन भवन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ही संघर्ष कर रहे हैं 5-6 महीने से। ये मतलब रखें हम लोग यहाँ कि हमारे समस्या का हल हो और जो भवन है वो उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका मांग कर रहे हैं और ये लोग हम लोग को बस लालच दे रहे हैं। हम इतना तो भिखारी नहीं है कि इन लोग के 5 लाख में हम लोग मान जाएंगे। 5 लाख होता है कितना ही होता है 5 लाख है ना, होता क्या चीज है वो। तो बस हम समाज के लोग 10-10, 20-20 रुपया इकट्ठा करके हम लोग ये 5 लाख से भी ज्यादा हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके हम नेताओं को खरीद भी सकते हैं हम लोग, तो ये 5 लाख होता ही कितना पैसा है। ये 5 लाख तो हम लोग भवन के लिए जो दे रहा था वो जो नेता है नटवर साहब जी उसका कोई होगा, मैं तो ज्यादा नाम नहीं जानती। मैं बस वही इसका नाम उतना ही जानती हूँ मैं बस। और हम लोग को आदिवासी भवन बनाने हेतु जमीन दिया गया था जिसको कि पार्षद महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने व्यापारी मित्र को अब बेचे हैं, क्या किए हैं पता नहीं, लेकिन जो हमारा आराध्य बुढ़ा देव का बोर्ड टंगा था उसको नाली में फेंक दिए और वो अरविंद अग्रवाल जी वहाँ पे अवैध कब्जा करके अपना मकान खड़ा कर रहे हैं।
इसके विरोध में हम लोगों ने थाने में, तहसील में और एसडीएम के सामने साहब के साथ मतलब आवेदन किया, मतलब अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखे हैं। अगर आगामी समय में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है ना, तो हम ये तो आपको हिंगली परिक्षेत्र की जनसंख्या मतलब आदिवासी समाज है, हम आस पास के और परिक्षेत्र के समाज को जोड़ के उग्र आंदोलन कर आज बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग बहुत बड़ी समस्या लेके यहाँ यहाँ बैठे हैं। पूरा हमारा आदिवासी समाज सम्मिलित है, अहिवारा के साथ साथ हमारे आसपास एरिया के जो और आदिवासी भाई बहन हैं सब यहाँ सम्मिलित है। हमारी समस्या ये है कि हमारे आदिवासी समाज के लिए एक जगह वो निश्चित की गई थी, निर्धारित की हम लोग को आदिवासी समाज के लिए दिया जाएगा। हम लोग का वहाँ बाकायदा भूमि पूजन भी हुआ है, सब हुआ है, वहाँ बोर्ड लगाए गए थे। उसके बाद अब हम लोग हमारा भवन हमको मिल गया है, बनेगा आज नहीं तो कल, विधायक बना के देगा, सांसद बना के देगा, इस उम्मीद से हम लोग बैठे थे। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि अंदर अंदर हमारे जो भवन है उसको ऐसे दगाबाजी करके, हमसे धोखा करके, हमारे लिए जो भवन के लिए वहाँ पे पोस्टर लगाए थे उस पोस्टर को फेंक दिया गया। हम अपने आराध्य बूढ़ा देव को मानते हैं, हमारे आराध्य को नाली में फेंका गया उस पोस्टर को। कितनी बड़ी दुख की बात है बताओ, हमारे धार्मिक भाव को अपमानित किया गया, दंडित किया गया, अच्छी बात नहीं है। हम नगर अध्यक्ष बनाए हैं, नगर अध्यक्ष कौन बनाए, जनता बनाए, नगर अध्यक्ष को क्यों बैठा है हम लोग, जनता की वो रक्षा करे, जनता की जो भी समस्या उसको समाप्त करे, है ना। तो यहाँ तो जो अध्यक्ष बना है वो जनता की समस्या दूर करना तो बहुत बड़ी बात, जनता से और लूटता है, जनता को खाता है। हम जनप्रतिनिधि बनाए, पार्षद हमारे हर वार्ड में पार्षद बनता है, पार्षद बनाए हैं जो जनप्रतिनिधि बनाए, वो तो अंग्रेजों वाली नीति चल रही है, यहाँ फूट डालो शासन करो। हमारा जो जनप्रतिनिधि बना है हमारा आदिवासी भाई है, ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष हमारे साथ फूट किए, गलत किए, क्या किए, हमारे आदिवासी भाई को हमारे बीच ला के खड़े कर दिए हमारे खिलाफ, है ना, ताकि ये भाई भाई लड़े और हम क्या करें, अपना जेब भरे। तो हमारे आदिवासी भाई को लाया गया, वो तो एक बच्चा है, वो बच्चा हमारे यहाँ 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, यहाँ वो क्या बोलते हैं, आरएसएस का प्रचारक बन के आया, वो बच्चा हमारे हमारे मोहल्ले में रहता था, कम से कम 10 साल रहा है, हमारे मोहल्ले में किराया में रहता था, उसका जो खर्चा है आरएसएस उठाता है, आरएसएस उठाता है, उसके बाद हमारे मोहल्ले में रहता, हमारे बच्चों को शाखा खिलाता था, और हर हमारे मोहल्ले के हर घर में वो खाना खाता था। दीदी आज तुम्हारे घर खाना खाऊं, दीदी आज कल तुम्हारे घर खाना खाओ, भैया खा ले, हमारे लड़का भैया छोटे से लड़का है, अपने कन खाना दे दे, वो कहाँ पत्ती है, हमारे लड़का समाज के खवान, हमारे समाज के लड़का समाज के खवान, हमला तो ये नहीं पता है इसको लेकर हमारे साथ ऐसे दगा करी, बच्चा समाज के सर में बैठा तो कान में मुद दिए, है ना, और लड़का समाज के हम ये चाहते हैं भैया कि आज हमारे साथ इतना बड़ा दगा हुआ है, आदिवासी समाज ऐसे हमारे दुनिया है, समाज चैनल देते रोड सुधर के गोड़ नहीं सुधरे, गोड़मन गंवार ऐसे की थे, गोड़मन गंवार कहाँ तक गंवार, अब कब तक गंवार रहे, गंवार काबर हवन, इसने जो नेता हवा भ्रष्ट नेता इवन हमला दबाए कोशिश करते, इमन तो जंगली अपन रहे आदमी है, मतलब बोले लावे सीखे लाए दे दे भैया, ये धरना चुपचाप बैठ हो गए, है ना। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।